जानते हैं कि आप इस समय कौन सी स्थिति में, आप अच्छी स्थिति में, आप और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और सबसे अच्छी स्थिति में भी आ जाएंगे। इंग्लिश में जितना आपको आता है आप उसका इस्तेमाल करेंगे और जितना नहीं आता है उसको सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि जितना आप सीखते जा रहे हैं उतनी आप प्रैक्टिस करेंगे। हमारा कोर्स आपकी मदद इसलिए तो करता है कि आप जब शुरू से हमारे साथ रहेंगे तो आपको छोटी छोटी बातें सीखने को मिलेंगी, वो बोलने को मिलेंगी, फिर बाद में होगा क्या कि धीरे धीरे आप बहुत कुछ सीखेंगे, परफेक्शन आएगा। हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ना, इट्स वेरी इजी पीजी अ जॉब, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट अ इजी पीजी अ जॉब। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि कुछ लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग को बना दिया है बगबेयर, हवा बना दिया है, और हम इस हवे को जो है चूहा बना देंगे, हम इस हवे को बड़े वाले को चूहा बना देंगे, चूहा। इस चैनल में मैं जो कंटेंट्स दूंगा वो सबके सब इजी और फ्रेंडली होंगे, ताकि उनको सुनकर समझकर आपको कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मुझे आपसे कोई बात करनी है तो मैं आपको बताऊंगा इच्छा के बारे में, तो मेरी इच्छा से संबंधित क्लास होगी। कहीं मैं आपको ड्रीम्स के बारे में बात करूंगा तो ड्रीम्स से संबंधित क्लास होगी। कभी कुछ बातें गुस्से वाली होंगी तो गुस्से में कैसे कैसे बोलते हैं मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। अगर किसी बात का आपको धन्यवाद देना है तो धन्यवाद कई प्रकार से होता है, मैं आपको तरीके दूंगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी को धन्यवाद देना है आप बोलेंगे थैंक्स, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए ज्यादा बड़ा काम कर दिया है तो आप बोलेंगे थैंक्स अ लॉट, लेकिन किसी व्यक्ति ने बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया है तो आप उसे ज्यादा धन्यवाद दे सकते हैं, आप कह सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू। लेकिन अगर इसे ग्रामर लैंग्वेज बोलना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से बोलते हैं आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, आई एम इंडेबटेड टू यू। देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स। हर व्यक्ति अपने जीवन में अगर बुरा भी है, बैड है, तो बैड से वो अच्छा होने की कोशिश करता है, गुड बन जाता है, फिर वो गुड से और ऊपर जाता है, बेटर हो जाता है, बेटर से और अच्छा हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। यही तो एक व्यक्ति की अच्छाई क्वालिटी है, वो अच्छे से अच्छा और अच्छे से अच्छा होता चला जाता है। लेकिन एक उससे टॉप पर भी होती है, बेस्ट से ऊपर भी एक कदम है, बेटर देन द बेस्ट। अगर आप बेटर देन द बेस्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज हमेशा याद रखें कि किसी व्यक्ति ने आप जिस लोगों को सोचकर ये बनाया गुड बेटर बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट, टिल गुड इज बेटर बेटर बेस्ट। हमारा कोर्स आपको यही बनाने वाला है। हमारे सारे कंटेंट्स ऐसे हैं, डायनामिक कंटेंट्स हैं, आप रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे और आप पहले से बेहतर होते जाएंगे, और आपको सरप्राइज होगा कि ऐसी क्लास आज तक बनी क्यों नहीं, क्योंकि आप जैसा चाहते थे वैसा हुआ ही नहीं आज तक, क्योंकि कोई आपके जैसा व्यक्ति मोहब्बत वाले काम नहीं कर रहा है। तो स्टॉप स्ट्रगलिंग, अब सीखो, आगे बढ़ो, बोलो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको दे रहा हूँ ललित सर क्लासेस में टॉप क्लासेस।